सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोरोहित यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा सैमसंग के एफ सीरीज के एक ऐसे स्मार्टफोन के बारे में जिसके लिए आप लोगों को डेफिनेटली वेट करना चाहिए अगर आप लोगों को सैमसंग के स्मार्टफोन में एक अच्छा खासा गेमिंग स्मार्टफोन देख रहे हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ सैमसंग के एफ सीरीज के अपकमिंग स्मार्टफोन सैमसंग के F24 के बारे में। तो रिसेंटली में 2022 में सैमसंग ने लॉन्च किया सैमसंग का F23 और उसमें आप लोगों ने देखा कि 15,000 रुपीज़ के प्राइस सेगमेंट में सैमसंग आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा था क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 750G का प्रोसेसर, जबकि इस प्राइस सेगमेंट में सैमसंग अपने एम सीरीज और ए सीरीज के अंदर एक्जिनोस के प्रोसेसर को इस्तेमाल करता है। तो अगर आप लोग सैमसंग के स्मार्टफोन में अच्छा खासा गेमिंग करना चाहते हैं, अगर आपको सैमसंग के स्मार्टफोन में हैवी मल्टीटास्किंग करना है, तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आपको सैमसंग का एफ सीरीज को यहाँ पर परचेस करना चाहिए और आने वाले जनवरी या फिर जनवरी के बाद मार्च के एंड तक, मार्च में आप लोगों को देखने को मिल सकता है सैमसंग का F24 जिसमें आप लोगों को मिलेगा क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 7 Gen 2 का प्रोसेसर। तो कुछ लीक्स होकर सामने आया है और बताया जा रहा है कि सैमसंग के F24 में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 7 Gen 2 का प्रोसेसर होगा जिसमें आप लोगों को 6000 mAh की बैटरी होगा और इसका जो प्राइस सेगमेंट है वो लगभग 20,000 के आसपास देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से इस प्राइस सेगमेंट में सैमसंग अगर ये फीचर्स दे देता है तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिशन होगा बाकी ब्रांड्स के लिए भी, क्योंकि जो फीचर्स सैमसंग देगा अपने एफ सीरीज में और जितना बड़ा सैमसंग का ब्रांड वैल्यू है, जितने लोग सैमसंग को पसंद करते हैं डेफिनेटली वो लोग एक हैवी मल्टीटास्किंग वाला स्मार्टफोन देखेंगे और कहीं ना कहीं वो लोग सैमसंग का F24 को परचेस करेंगे। तो इसके लिए सेल जो है वो F24 का काफ़ी अच्छा जनरेट भी होगा और सैमसंग का नाम भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर अच्छा होगा। तो रिसेंटली मैं आप लोगों ने रिपोर्ट देखा था सैमसंग गैलेक्सी A54 के बारे में और सैमसंग गैलेक्सी A54 कहीं ना कहीं बोरिंग लग रहा है क्योंकि एक दिन उसका 1380 मिलेगा। ऑन पेपर तो बताया जा रहा है कि जो A53 है और सैमसंग का A52S है जिसमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 778G का प्रोसेसर मिलता है, उससे भी ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है जो A54 में सैमसंग इस्तेमाल करेगा एक्जिनोस का 1380। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में ना एक माइंडसेट ये क्रिएट हो गया है कि कहीं ना कहीं एक्जिनोस का प्रोसेसर हमें आने वाले दिनों में हल्का लेग यहाँ पर देगा, जबकि क्वालकॉम के केस में ऐसा नहीं है। क्वालकॉम के प्रोसेसर काफ़ी अच्छे होते हैं, बैटरी को भी ज़्यादा जल्दी डिक्रीज नहीं करते और फोन उतना हीट भी नहीं होता है, इसलिए लोगों को क्वालकॉम का प्रोसेसर ज़्यादा बेहतर लगता है। तो सैमसंग गैलेक्सी F24 मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा डील होगा। तो आप लोगों का जो भी ओपिनियन होगा, आप लोग अपना राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।